हिमाचल सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद कर दी है। इसे लेकर सदन में बुधवार यानी आज जोरदार हंगामा हुआ है और सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली है। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए आरएसएस और पॉलिटिकल लोगों को लाभ देने के लिए ये योजना शुरू की गई थी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इस योजना को बंद करने का सवाल इमरजेंसी को हाईलाइट करने के लिए किया गया, क्योंकि उस दौरान एमआईएसए के तहत आरएसएस और पॉलिटिकल लोग जेल गए थे। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस योजना को बंद करने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ये योजना 25 जून 1975 में इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए लड़ रहे उन लोगों के परिवार को सम्मान राशि देने के लिए शुरू की गई थी जो जेल गए थे। हिमाचल के 40,000 से अधिक जेबीटी डीएलजी प्रशिक्षु फिर से अपनी मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। शिमला विधानसभा के समीप 200 के करीब बेरोजगार प्रशिक्षु प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएड धारकों को उनके साथ शामिल ना किए जाने की मांग को लेकर आज संघ विधानसभा मुख्यमंत्री से मिलेगा। जेबीटी डीएलजी प्रशिक्षित बेरोजगार संघ का ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी बड़ी संख्या में है। प्राइमरी कक्षाओं को जेबीटी शिक्षक ही बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं। पूर्व सरकार ने जेबीटी शिक्षकों के साथ अन्याय किया है। उनका कहना है कि अब बीएड डिग्री धारक जेबीटी में आ जाएंगे तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। भंग किए गए हमीरपुर के एचपीएसएससी के पेपर स्कैम मामले की जांच एक हफ्ते के दरमियान अब निर्णायक दौर में पहुंचने वाली है। विजिलेंस ने आयोग से जांच के लिए जितना रिकॉर्ड मांगा था उसे भंग आयोग के ओएसडी कार्यालय से सौंप दिया गया है। पिछले लगातार 2 दिनों में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी इस दौरान की गई है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि गड़बड़ झाले का रिकॉर्ड देने के साथ ही विजिलेंस की जांच ने अब रफ्तार पकड़ी है। नगर निगम शिमला चुनावों में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सोमवार को फाइनल होने से पहले ही नगर निगम शिमला का रोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। हैरानी की बात यह है कि अब तक शहरी विकास विभाग ने इस रोस्टर को फाइनल नहीं किया था, लेकिन इससे पहले ही ये रोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। शिमला शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक हरीश जनार्था ने कहा कि चुनाव से पहले ही रोस्टर का वायरल होना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिमाचल सरकार द्वारा वाटर सेस लगाए जाने के बाद पड़ोसी राज्यों के साथ उपजे विवाद को सुलझाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से मीटिंग की है। इस दौरान वाटर सेस, आनंदपुर साहिब से नैना देवी रोपवे प्रोजेक्ट, बीबीएमबी में हिमाचल की लंबित हिस्सेदारी के भुगतान और देश में उपजे राजनीतिक हालात को लेकर चर्चा की गई है। पंजाब सीएम से मीटिंग के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भगवंत मान के आग्रह पर वाटर सेस मामले की स्टडी के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए पंजाब के पावर मिनिस्टर और सेक्रेटरी हिमाचल भी आएंगे और देखेंगे। उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन गैप के कारण वाटर सेस को लेकर कुछ अफवाहें उड़ रही थी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। विधानसभा में नशे के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कड़े शब्दों में यह कहा है कि नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो तस्कर पकड़े जाएंगे उनकी संपत्ति तक सरकार जब्त करेगी। नशे को लेकर पुलिस और आबकारी एवं कराधान विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉर्डर एरिया में लंबे वक्त से डटे पुलिस अधिकारियों और आबकारी एवं कराधान के अफसरों के तबादले भी किए जाएंगे, क्योंकि ये अफसर सिर्फ एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में अपने तबादले करवाते हैं ताकि नशे के खिलाफ मुहिम को तेज किया जा सके। हिमाचल में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए नाबार्ड ने 102 करोड़ का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश में 25 गांवों को सड़क सुविधा से जोड़ा जाएगा। इस काम के लिए नाबार्ड सरकार को 102 करोड़ का लोन देगा। इससे इन 25 गांवों में 152 किलोमीटर नई सड़कें बनेगी। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड से अगले 30 दिनों के अंदर इन सड़क परियोजनाओं को अंतिम रूप देकर काम शुरू कर दिया जाएगा। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क के निर्माण और इनके रखरखाव के प्रति गंभीर है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास और इसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना उनका प्रमुख लक्ष्य है। इसके लिए प्रदेश में सड़क निर्माण व उनके रखरखाव पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हिमाचल कांग्रेस के मुख्य वक्ता प्रेम कौशल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरीके से केंद्र सरकार और भाजपा का कुनबा तत्परता के साथ एक के बाद एक फैसले ले रहा है, उससे ये साबित हो गया है कि भाजपा राहुल के देश जोड़ने के प्रयासों से बेहद परेशान है। राहुल के सवालों और हम लोगों से सरकार और भाजपा में घबराहट है। कौशल ने कहा कि राहुल के प्रति की गई संकीर्ण और निम्न स्तर की कार्यवाही भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भरवाई जिला ऊना में कार्यरत विज्ञान अध्यापक सतवीर सिंह ने नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में हिमाचल की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 72 किलो भार वर्ग में खेलते हुए अपने पहले प्रयास में 130 किलोग्राम, दूसरे प्रयास में 135 किलोग्राम और
तीसरे और अंतिम प्रयास में 137 किलोग्राम की बेंच प्रेस लगाकर उम्दा प्रदर्शन करते हुए हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन किया है। विकलांग होने के बावजूद सतवीर सिंह के जज्बे की सराहना पूरे प्रदेश में की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने लोगों को राहत देते हुए छुट्टी वाले दिन भी कैश काउंटर खुले रखने का फैसला लिया है। बोर्ड अगले 3 दिनों तक यानी 29, 30 और 31 मार्च को हिमाचल में सभी जगह अपने कैश काउंटर को खुला रखेगा। कल रामनवमी की छुट्टी और 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर के लास्ट वर्किंग डे को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने अपने कैश काउंटर को खुला रखने का फैसला लिया है। हिमाचल में 17 लाख से ज्यादा बिजली के उपभोक्ता है और मौजूदा समय में बिजली बोर्ड के 379 करोड़ के बिल लंबित है। करोड़ों रुपए की इस रिकवरी को वसूलने के लिए बोर्ड प्रबंधनों ने अपने सभी फील्ड स्टाफ को पहले ही रिकवरी के आदेश जारी किए हैं। बिजली के ये बिल पिछले 1 साल से लंबित है, जो बोर्ड अभी तक वसूल नहीं पाया है।